Hello dear students, welcome once again to this incredible platform of EduLover. Class 10th basic math sample paper के question number 9 के solution में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इसे previous video आपने अभी तक नहीं देखा है तो complete playlist का link मिलेगा आपको description में। साथ ही साथ अगर इसके handwritten PDFs भी आप download करना चाहते हैं तो must be कि आप हमें telegram पे join कर लें, जहां कि आपको इसका handwritten PDFs मिल जाएगा, साथ ही साथ other subjects के भी handwritten PDFs आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? PA एंड PB आर द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल। PA और PB जो है वो दो टेंजेंट है जो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। तो हमें पता है कि जब एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं। हालांकि इसको भी हमें शो करके दिखाना होगा, है ना, शो करना होगा। PA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, PA का लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल APB एंगल हमें दिया हुआ है कितना 60 डिग्री है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। तो ये AB का लेंथ हमें बताना है कि ये AB का लेंथ कितना होगा। तो हम लोगों को पता है, क्या पता है सर, हमें तो कुछ नहीं पता। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, सर जानते हैं, तो क्या दिक्कत है, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है, एग्जामिनर को दिखाना होगा। ठीक है, वी नो डैट, क्या जानते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने कर रखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस हिसाब से बोल सकते हैं, देयरफॉर PA और PB जो होगा इक्वल होगा, यानी कि PA या फिर AP इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू कितना 6 सेंटीमीटर। AP इक्वल्स टू ये हमें कितना देखने को मिलेगा, 6 सेंटीमीटर के इक्वल हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ साथ एंगल हमें दिया हुआ है, कौन सा एंगल, APB कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। कितना दिया है एंगल, हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। एंड क्योंकि ये साइड के इक्वल है, तो आपको पता है कि जब दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो यहां वाले बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल पी ए बी वो इक्वल होगा किसके, एंगल पी बी ए के। ठीक है, समझ में आया ना। AP इक्वल्स टू BP कैसे हुआ, क्योंकि एक ही पॉइंट पे अगर दो टेंजेंट मीट करता है सेम सर्कल का तो वो इक्वल होता है। ठीक है, और एंगल APB हमें दिया हुआ था 60 डिग्री है, PAB इक्वल होगा PBA के। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि अगर सेम साइड हमारा इक्वल है तो वहां से बनने वाला एंगल भी हमारा क्या होता है, वो सेम होता है। तो नाउ अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो PAB एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB एंगल APB इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री हुआ, तो यहां पे लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब PAB PBA के इक्वल है तो दोनों के प्लेस पे PAB लिख सकते हैं, यानी कि एंगल PAB प्लस एंगल PBA भी इसके इक्वल है, तो इसके प्लेस पे भी लिख सकते हैं एंगल PAB प्लस APB कितना है, दैट इज 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री PAB और PAB तो हो गया 2 एंगल PAB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि ये प्लस में इधर गया तो माइनस में। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 एंगल PAB इक्वल्स टू माइनस कर लेंगे 120 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एंगल PAB इक्वल्स टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल PAB इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि PAB और PBA एंगल PBA
ए, दोनों का वैल्यू कितना आया है? 60 डिग्री हमें देखने को मिला है। 60 डिग्री यानी कि ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, यानी कि सारा का सारा एंगल, तीनों एंगल कितना है? 60 डिग्री है। मतलब ये कुछ और नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक साइड सेम होता है। तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं, हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए पी बी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देयरफोर ए बी इक्वल्स टू भी हमें कितना मिलेगा? 6 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा कि कैसा इसका सॉल्यूशन हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एंड मेक श्योर कि आप अपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे मस्ट भी ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि सारा का सारा पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा।